वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज जो है सैमसंग S22 अल्ट्रा का कैमरा टेस्टिंग होगा और आज हम लोग कश्मीर जंगल में आए हुए हैं और इस फोन के कैमरे की टेस्टिंग करेंगे और इसके साथ एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाएगा ताकि एक कैमरे का अच्छा रिव्यू जो है आ सके। तो गाइस कुछ फोटोज़ जो है मेरे KTM Duke 390 के साथ में होंगी और कुछ फोटोज़ इन खूबसूरत वादियों के साथ में होंगी। तो आइए चलते हैं और जल्दी से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। बहुत अभी फ़िलहाल बाइक पे चल रहे हैं, बाइक बहुत ज़्यादा स्पीड पे तो नहीं है और हाथ में सेल्फी स्टिक है, उसमें फ़ोन जो है माउंट किया गया है। ठीक है सर, भाई मेरा हालत खराब हो जाता, पता नहीं कैसे आप इसका वीडियो बनवा दे रहे हैं। गया हाँ, वो जा रहे हैं। अच्छा, इन लोग को भी अपना वीडियो बनवाना था क्या? आ गए ये लोग। गाइस ये अल्ट्रा वाइड एंगल पे ये वीडियो शूट हो रहा है और मैं अभी फिलहाल चल रहा हूँ और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छा स्टेबलाइजेशन है इसमें। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1x जूम है इसका वीडियो कैमरे पे और ये 3x है। 3x पे भी काफ़ी अच्छी पिक्चर्स जो है ये कैप्चर कर पा रहा है और ये रहा 10x पे भी काफ़ी अच्छी खूबसूरत फोटोज़ जो है इसमें कैप्चर हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात इस फ़ोन की ये है कि इसमें जो है जूम इन माइक भी है। अगर मैं किसी चीज़ को जूम करता हूँ तो एटलीस्ट अगर 100 मीटर के भी रेंज तो वहाँ का भी वॉइस ये बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाता है। निकलने का टाइम आ चुका है क्योंकि शाम भी हो गया, तकरीबन 6 बज रहे हैं और सूरज ढल चुका है। तो मतलब अब थोड़ा सा जो है फ़र्क पड़ेगा कैमरे पे। तो अभी तक मैंने जो भी फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक किए हुए हैं बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुपर क्वालिटी पिक्चर आया हुआ है। और अभी हम लोग का वीडियो कम्प्लीट हो चुका है, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। गाइज मिलते हैं नए किसी अच्छे से इंटरटेनिंग ब्लॉग के साथ में। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे दोस्तों मित्रों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करें और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और आपके सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटे का आइकॉन होगा तो प्लीज़ उसे टन से दबा दें। बाय बाय। बिल्कुल वीराना जंगल है ये, इंसानों का तो कोई पता ही नहीं है। लेकिन वो क्या कहते हैं, इस जंगल में दो शेर